भाईजान भाईजान भाईजान, दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब सलमान खान की चर्चा ना हो। और अब एक बार फिर से सल्लू से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, सलमान खान और करीना कपूर खान अभिनीत 2015 की ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान का अगला पार्ट की तैयारी शुरू हो गई है। कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को एसएस राजामौली के पिता केवी विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा था। यह फिल्म बड़े पैमाने पर हिट हुई थी, जो रिलीज के 7 साल पूरे हो गए हैं और ये हमारे दिलों में आज भी बनी हुई है। निर्माता फ्रेंचाइजी में अगली फिल्म पवन पुत्र भाईजान पर अगले पार्ट पर मेहनत कर रहे हैं, जो 2015 की फिल्म का अगला पार्ट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवी विजयेंद्र प्रसाद ने खुलासा किया कि फिल्म न केवल एक निरंतरता है, बल्कि इसमें 8 से 10 साल का लीप भी होगा, जबकि हम इस बारे में अनिश्चित हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और फिल्म का हिस्सा कौन होगा। हम जानते हैं कि हमारे प्यारे भाईजान सलमान खान इस फिल्म के लिए अपने एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आएंगे। पहली बार नहीं है जब हमें बजरंगी भाईजान के सीक्वल की जानकारी मिली है। पिछले साल दिसंबर में सलमान खान के जन्मदिन के समय सुपरस्टार ने इस फिल्म के बारे में भी कहा था, जैसे ही वह इसे पूरा करेंगे और मैं अपनी अन्य फिल्मों की शूटिंग पूरी करूंगा। हम अभी भी अनिश्चित है कि सीक्वल कब फ्लोर पर जाएगा। सलमान खान का व्यस्त कार्यक्रम जारी है। अभिनेता वर्तमान में पूजा हेगड़े और अन्य के साथ भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अनीस बज्मी की नो एंट्री 2 और टाइगर 3 भी जल्द ही आने वाली है। गाइस, आपको भाईजान की फिल्मों का कितना इंतजार रहता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।